अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पीर मुफ्ती शाह बाबा का उर्स है और मुझे भी मेरे गांव उर्स में शामिल होने का मौका मिला है। तो गाइस, ये है मेरा गांव राजूड़ा जो कि आता है रत्नागिरी सिटी में, और हर साल की तरह इस साल भी पीर मुफ्ती शाह बाबा का उर्स मनाया जा रहा है। यह है पीर मुफ्ती शाह बाबा की दरगाह, जिनका पूरा नाम हज़रत मुफ्ती सैयद अब्दुल कादिर कादरी है। ये रिश्ते में मेरे परदादा लगते हैं। पीर मुफ्ती शाह बाबा कादरी सैयद घराने से आते हैं, जिनका सिलसिला हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी यानी गौस पाक से होते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। सन 1827 के आसपास कर्नाटक के मलकापुर से रत्नागिरी के राजूड़ा इलाके में मुफ्ती शाह बाबा आए। उस वक्त के हुकूमत की ओर से इस्लामिक काजी का काम भी इन्होंने इस इलाके में किया है। इस इलाके में दीन को फैलाने का काम इन्होंने किया। ये इस इलाके में अल्लाह के बहुत बड़े वली हुए हैं। इनके काफ़ी करामतें भी लोगों ने देखी है। इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद और मदरसा इनके दरगाह के पास में ही है, जो इन्होंने ही बनाई थी, और आज इसे लोग मुफ्ती मस्जिद या कादरी मस्जिद के नाम से पहचानते हैं। थोड़ी ही दूरी पर इनके लड़के हज़रत सैयद हबीबुल्ला कादरी इनकी दरगाह है। ये भी एक बड़े आलिम और अल्लाह के वली हुए हैं, और इनकी भी करामतें लोगों से हम सुनते आए हैं। लेकिन इनका अलग से उर्स नहीं मनाया जाता, क्योंकि हबीबुल्ला बाबा ने अपने हयाती में कहा था कि उनके जाने के बाद उनका उर्स न मनाया जाए। लेकिन मुफ्ती शाह बाबा के उर्स के मौके पर सब लोग मुफ्ती शाह बाबा के मज़ार पर चादर और गिलाफ चढ़ाने के बाद इनके दरगाह पर भी नात सलाम पढ़कर चादर गिलाफ चढ़ाते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो उर्स है वो मुफ्ती शाह बाबा का है। हबीबुल्ला बाबा की दरगाह ऑन रोड मार्केट के पास ही है, तो ऐसा लगता है कि इन्हीं का उर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्स के मौके पर दोनों ही दरगाह को सजाया जाता है। इनके घराने के और इलाके के इनके चाहने वाले लोग मिलकर दोनों दरगाह को उर्स के मौके पर सजाते हैं। उर्स से एक दिन पहले पूरे गांव में संदल फिराया जाता है। के मौके पर लोग दूर दूर से ज़ियारत करने के लिए आते हैं, और इसीलिए यहाँ पर कई सारे लोग उर्स के दिन अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। सो ये एरिया में उर्स के मौके पर मेला जम जाता है।
उर्स के दिन रात में रातिब भी होता है, जिसका फुल वीडियो आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। रातिब के बाद गिलाफ और चादर चढ़ाई जाती है। तो कुछ इस तरीके से राजुड़े में मुफ्ती शाह बाबा का उर्स होता है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।